बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बी एस सी जी सेकेंड सेमेस्टर को लेकर, जो हमारा आज का अभी का एग्जाम पेपर हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो दोस्तों हम इसके हम फुल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारे पास जो बुकलेट सीरीज है वो एस सी तथा पेपर कोड आज का ए जी 2005 था। दोस्तों इस हिसाब से हमने मैनेज करना। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीला हरा शैवाल जैविक कृषि में किसके स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसके स्रोत में किया जाता है, तो वो नाइट्रोजन के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर वन का नेक्स्ट होगा, जैविक कृषि में पॉलीकल्चर का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों वो है लगातार एक ही फसल उगाना या खेती करना, तो ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर टू का। नेक्स्ट होगा, जैविक कृषि में सह फसली खेती क्या है। दोस्तों जैविक कृषि में जो सह फसली खेती है वो विभिन्न फसलों को क्रमशः पंक्तियों में बोना, ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का। नेक्स्ट दिया गया है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों उसका होता है ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, अनेक रणनीतियों के उपयोग करके कीट नुकसान को कम करने के लिए, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर फोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव दिया है, जैविक कृषि में कवर क्रॉपिंग क्या है। दोस्तों कवर क्रॉपिंग का मतलब होता है भूमि को ढकने के लिए द्वितीय फसल को उगाना, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी राइट होगा फाइव का। नेक्स्ट दिया गया है, अपीडा कृषि में संबंध में भारत में क्या करता है। दोस्तों क्या करता है, ये जैविक उत्पादों के आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। सिक्स के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया है, जैविक कृषि में कंपेनियन प्लांटिंग क्या होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऐसी फसलों को होगा ना जो एक साथ उगाई जाने पर एक दूसरे के लिए लाभदायक हो, तो ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का। सेवन का चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट में दिया गया है कि जैविक खाद कृषि में क्या प्रदान करता है। दोस्तों जैविक खाद जो कृषि में क्या प्रदान करता है, वो पौधों के लिए पोषक तत्व ज्ञात प्राप्त करता है। दोस्तों आपका जो अगला एग्जाम पेपर है उसका प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन पेपर जो है उसका लिंक हमने बायो में दे दिया है, आप लोग वहां जाकर वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन कैसा था या एग्जाम पेपर कैसा आया था। नाइन नंबर क्वेश्चन होगा, माइकोराइजा एक प्रकार की फफूंदी का जैविक उपयोग होता है। दोस्तों कहाँ होता है वो, कंट्रोल पेस्ट में, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर जो है कि नाइन का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित में से मल्चिंग के अभ्यास में मदद करता है। किसमें करता है, मृदा में पानी की नमी को हम कम करने के लिए, तो ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर टेन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन में दिया है कि जैविक कृषि में बायोडायनामिक नामक कृषि का जोर है। तो किस पे है, जीनी युक्त जीवों के उपयोग में, ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर अलेवन का। अलेवन का चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में दिया, इनमें से कौन सी एक जैविक कीटनाशक नियंत्रण विधि नहीं है। तो दोस्तों कौन सी नहीं, सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग करना, ऑप्शन हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के बाद। ट्वेल्व के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह में दिया है कि जैविक कृषि में बर्मी कंपोस्ट का क्या है। दोस्तों बर्मी कंपोस्ट क्या है, केचुए का उपयोग करके कंपोस्ट बना, ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर तेरह का। तेरह के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह में कि सर्टिफाइड जैविक का क्या अर्थ होता है। दोस्तों इसका क्या होता है, इसका प्रमाणन संगठन के द्वारा निर्धारित विशिष्ट, तो ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर चौदह का। चौदह के बाद क्वेश्चन नंबर पंद्रह में दिया गया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री तथा जैविक कृषि की प्रथा जिसमें शामिल है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह का। पंद्रह के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह में, सोलह का जो करेक्ट आंसर था हमारा वो था ऑप्शन नंबर सी राइट था क्वेश्चन नंबर सोलह का, कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सत्रह में, सत्रह में दिया, इनमें से कौन सी जैविक कृषि की प्रथाएं मृदा के अपरदन को प्रबंधन में मदद करती हैं। तो कवर क्रॉपिंग, ऑप्शन सी होगा हमारा राइट क्वेश्चन नंबर सत्रह का। सत्रह को चलते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह में दिया, इनमें से कौन सी एक जैविक खरपतवार प्रबंधन रणनीति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर अठारह का। अठारह को चलते हैं क्वेश्चन नंबर उन्नीस में, जैविक कृषि में परमा कल्चर की प्रथा का जोर किस पर होता है। तो दोस्तों किस पर होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि जैविक कृषि में कंपोस्ट टी का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों मृदा संवर्धन, सॉइल स्टेबलाइजेशन, तो ऑप्शन बी राइट होगा, सॉरी ऑप्शन डी राइट होगा 20 का। 20 का 21 दिया, इनमें से कौन सा एक जैविक कृषि में फास्फोरस का स्रोत है। तो दोस्तों हड्डी का चूरा या हड्डी का भूरा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 के बाद 22 दिया गया है, IFOAM का गठन कब वर्ष हुआ, तो 1972 में हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। 22 में दिया गया है, 23 जैविक कृषि के बारे में कौन सी बात सच है। तो दोस्तों ये भी दोनों ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा 23 का। 23 के बाद 24 दिया, जैविक कृषि के संवर्धन में SRI क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सिस्टम ऑफ राइस एंट्रीफिकेशन, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया, जैविक कृषि में संवर्धन में एक्वापोनिक्स क्या है। तो दोस्तों मछली के साथ हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार, तो ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 25 के बाद चलते हैं 26 की, जैविक कृषि प्रमाणीकरण संवर्धन NOP का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम, तो ऑप्शन बी राइट होगा 26 का। इसको चलते हैं 27 में दिया, कौन सा एक बड़ा जैविक खाद है। तो दोस्तों कौन सा, इसमें ऑल ऑफ एबव हमारे करेक्ट रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। इसके चलते हैं 29 में दिया है कि
28 क्वेश्चन जो दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि में प्राकृतिक मृदा संवर्धन है, तो इसका पीट मास ऑप्शन हमारा ए राइट होगा 28 का। 28 और 29 भारत में कौन सा संगठन जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण करता है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, कृषि और प्रस्तुत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, तो ऑप्शन सी होगा 29 का। इसके बाद 30 दिया गया है कि इनमें से कौन सा राज्य जैविक राज्य के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सिक्किम होगा हमारा, ऑप्शन सी राइट होगा 29 का। इसको चलते हैं, सॉरी 30 का ऑप्शन सी। इसके बाद 31 दिया है कि जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत क्या है, दोस्तों जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत तो दोस्तों स्थिरता, ऑप्शन सी राइट होगा 31 का। इसके बाद 32 दिया गया, भारत में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला जैविक पोषक संसाधन है, तो दोस्तों वो है कंपोस्ट, ऑप्शन ए राइट होगा 32 का। नेक्स्ट है 33 दिया, जैविक खेती में एक प्रमुख चुनौती क्या है, तो इसमें जैविक बीजों की उपलब्धता, तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट है 34 में जैविक खेती में मुख्य प्रतिबंधन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों आला एवब हमारा, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट होगा 35 दिया है, भारत में जैविक खेती का प्रमाणीकरण कौन करता है, तो दोस्तों इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट होगा 36 दिया, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है, तो दोस्तों ए बी दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि भारत में जैविक खेती का संवर्धन करने वाली सरकारी योजना कौन सी है, तो दोस्तों वह परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है गाइस वो सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट है 38, जैविक खेती में कीट प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक प्राणियों का उपाय, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा 38 का। नेक्स्ट है 39, किस खेती जैविक खेती में किस प्रकार की फसलों को पसंद किया जाता है, तो दोस्तों आलप एवं यहाँ पर सभी राइट होंगी, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट है 40 में दिया गया, जैविक खेती में आमतौर पर जीवामृत क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर एक कृत्रिम उर्वरक, तो ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। 40 के बाद चलते हैं 41 में दिया है, कौन सा संगठन जैविक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ, तो ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट चलते हैं कि हजोला की जैविक खेती में क्या भूमिका होती है, तो यहाँ करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। 42 के बाद चलते हैं 43 में, किस राज्य ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती की पहल शुरू की, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों आंसर ही क्लियर आ रहे हैं और इस पर एग्जामिनर क्या सही करता है, तो इसके लिए हमारे दोनों ही आंसर यहाँ पर ठीक हैं, क्वेश्चन मिसप्रिंट था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में दोनों ही करेक्ट आते हैं, मगर क्या है इसका एग्जामिनर ही क्लियर करेगा। नेक्स्ट होगा 44, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जैविक खेती के लिए खरपतवार प्रबंधन के लिए एक तरीका नहीं है, दोस्तों कौन सा एक तरीका जो जैविक खेती के लिए प्रयोग नहीं होता है, तो वो है हर्बिसाइड का उपयोग करना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया है, जैविक खेती में किसका उपयोग आमतौर पर डाला जाता है, तो दोस्तों GMO का प्रयोग डाला जाता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा 45 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैविक उत्पादों के प्रमाणन है, तो वो है जैविक भारत, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट होगा जैविक भारत। नेक्स्ट होगा 47, जैविक खेती के पंचवेग मुख्य का उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों रोग प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 47 का। नेक्स्ट होगा 48, जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है किसके लिए, दोस्तों वो रोग नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी राइट होगा 48 का। नेक्स्ट है 49, बर्मी कल्चर सामान्यता किस प्रकार की कृषि पद्धति से संबंधित है, दोस्तों जैविक कृषि से ऑर्गेनिक फार्मिंग, सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि में प्राकृतिक कीटनाशक का स्रोत है, तो दोस्तों वो है नीम लीप यानी कि नीम के पत्ते, तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा 50 का। 50 के बाद 51 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बायो पेस्टिसाइड जैविक कृषि में उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है बैसिलस थ्यूरेजिएंसिस, तो ऑप्शन सी राइट होगा 51 का। नेक्स्ट है 52, जैविक कृषि में हरी खाद का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी के लिए, ऑप्शन हमारा वी राइट होगा 52 का। नेक्स्ट है 53 दिया है, भारत में जैविक कृषि संवर्ध NPOP का क्या अर्थ है, तो दोस्तों राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा 53 का। नेक्स्ट है 54, कौन सी भारतीय राज्य जैविक उत्पादन में उत्पादन की अग्रणी है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट होगा 55, जैविक कृषि में राइजोबियम का उद्देश्य क्या है, दोस्तों नाइट्रोजन को निश्चित करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन बी राइट होगा 55 का। 56 दिया है, जैविक कृषि में केंचुए की क्या भूमिका है, तो दोस्तों केंचुए की जैविक कृषि में जो भूमिका है वो मृदा संचारण, सॉइल एरिएशन, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा 56 का। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जैविक कृषि में अनुमत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, तो ऑप्शन बी राइट होगा 57 का। दोस्तों इससे पहले जो कि आपका अगला एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर का जो पेपर सोल्यूशन है उसका लिंक नीचे बायो में दिया गया है, आप लोग जाकर आप लोग अपना वो सोल्यूशन भी वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको अनुमान लग सकता है कि पिछले साल का आपका एग्जाम कैसे हुआ था,
नेक्स्ट होगा कि जैविक कृषि में ट्रैप क्रॉप क्या है। दोस्तों ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है मुख्य फसल को दूर कीटों को आकर्षित करना, मुख्य फसल से दूर यानी कि कीटों को दूर आकर्षित करना, तो ऑप्शन बी राइट होगा 58 का। नेक्स्ट होगा जैविक कृषि में उपयोग किए जाने वाले बायो उर्वरक का उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों वो है राइजोबियम, ऑप्शन सी राइट होगा 59 का। नेक्स्ट दिया गया है जैविक कृषि में फसल चक्र का उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों होता है मृदा की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना, ऑप्शन ए राइट होगा। गाइस हमारा पूरा पेपर सोल्यूशन हल हुआ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।